नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। G20 में पीएम मोदी ने उठाया काले धन का मुद्दा, कहा आर्थिक अपराधियों के लिए सेफ हेवन्स खत्म करें, बैंकिंग की गोपनीयता खत्म करने की वकालत की। हुर्रियत नेताओं पर बरसे राजनाथ, कहा हुर्रियत में नहीं है इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, बातचीत के लिए हमारे दरवाजे ही नहीं रोशनदान भी खुले। हुर्रियत नेताओं पर बरसे राजनाथ, कहा हुर्रियत में नहीं है इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, बातचीत के लिए हमारे दरवाजे ही नहीं रोशनदान भी खुले। सुप्रीम कोर्ट का आशा राम की जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार, पहले मेडिकल जांच करवाने को कहा, एम्स दिल्ली से मेडिकल टीम जोधपुर भेजने में जता चुका है असमर्थता। और उर्जित पटेल बने आरबीआई के 24वें गवर्नर, सामने महंगाई को कम करने की चुनौती, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार हो रहा है कमजोर, पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं दाम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में हुर्रियत नेताओं के अड़ियल रवैये पर दो टुक टिप्पणी की है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह ने कहा कि जिस तरह हुर्रियत नेताओं ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत से इनकार किया है, साफ जाहिर है कि उनके दिल में कश्मीरी आवाम के लिए ना तो इंसानियत है और ना ही कश्मीरियत। राजनाथ सिंह ने इसके साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य सरकार घाटी में शांति का माहौल तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, मैं हुर्रियत नेताओं से कहना चाहता हूं कि बातचीत के लिए हमारे दरवाजे ही नहीं, हमारे रोशनदान भी खुले हैं। आप सबको जानकारी है कि कल से पार्लियामेंट का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ पर कश्मीर के लोगों से बातचीत करने के लिए आया हुआ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट होती है और कश्मीर की समस्या को लेकर देश की यह सबसे बड़ी पंचायत बेहद संजीदा है और यही कारण है कि उस पंचायत ने यह फैसला किया कि कश्मीर के जो हालात है उसका जायजा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए। लगभग 20 पॉलिटिकल पार्टीज के 26 डेलीगेट्स इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल हैं और कल से लगभग 30 से अधिक डेलीगेशंस जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स हैं, वाइस चांसलर, फ्रूट ग्रोवर्स, स्टूडेंट्स और कुछ इंटेलेक्चुअल्स, उनकी संख्या कमोबेश 300 से अधिक की रही होगी। इन लोगों ने कल से लेकर आज तक डेलीगेशन के समक्ष अपनी बात रखी। सबकी यही इच्छा है कि कश्मीर के हालात सुधरने चाहिए। डेलीगेशन ने कल जहां इन सब सारे प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर से भी बातचीत की है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी बात की है और स्टेट के ऑफिशियल्स से भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक में काले धन पर लगाम कसने के लिए सदस्य देशों से मदद की अपील की है। पीएम ने सदस्य देशों से कहा कि उन्हें अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता खत्म करने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। चीन के पूर्वी भाग में स्थित होंगझोऊ शहर में आयोजित G20 सम्मेलन के दूसरे दिन मोदी ने अपने भाषण में कहा, प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार, कालाधन और कर चोरी से निपटना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, इसके लिए हमें आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने, धन शोधन करने वालों की तलाश और उनका बिना शर्त प्रत्यर्पण करने, जटिल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के जाल को तोड़ने और अत्यधिक बैंकिंग गोपनीय खत्म करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है जो भ्रष्टाचार और उनके कारनामों पर पर्दा डालते हैं। पंजाब से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली के बिजवासन से विधायक कर्नल देवेंद्र शहरावत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं पर बड़े आरोप लगाए हैं। विधायक ने लेटर में अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेताओं पर पंजाब में टिकट देने के लिए यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। इन नेताओं में दुर्गेश पाठक और संजय सिंह भी शामिल है। इसमें दिलीप पांडे पर दिल्ली के विधायकों के कामकाज में दखल देने का भी आरोप लगाया गया है। उर्जित पटेल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर के रूप में कमान संभाल ली है। पटेल के चार्ज लेने के बाद सबसे बड़ी चुनौती बैंकों के एनपीए को कम करने की है, जिस पर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन काफी दिनों से काम कर रहे थे। पटेल ने 2011 में सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया था। पटेल की पहचान आरबीआई में एक ऐसे योद्धा की बनी हुई है जो कि काफी समय से महंगाई को कम करने में लगे हैं। महंगाई को कम करने पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत अभी आरबीआई को है, क्योंकि दैनिक उपयोग के सामान की कीमतें आसमान को छू रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, फिलहाल ये 67 के आसपास चल रहा है। उर्जित की चुनौती है कि वो इसे 65 पर लेकर आए
ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो और इसके जरिए भी महंगाई को कम किया जा सके। देश भर में देशद्रोह के केस दर्ज करने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 124A को लेकर पहले से संविधान पीठ ने 1962 में गाइडलाइन दी थी, इसलिए इसके लिए सुनवाई की जरूरत नहीं है। अगर किसी केस में सही नहीं हुआ तो उसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट एनजीओ कॉमन कोज की उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कहा गया है कि देश भर में देशद्रोह के कई केस लगाए गए हैं। इस तरह के केस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ऐसे केसों में डीजीपी या कमिश्नर पुलिस से आदेश लेने को अनिवार्य बनाए जिसमें गिरफ्तार या एफआईआर दर्ज होने से पहले ये कहा गया हो कि किसी कार्य में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है या कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। अहमदाबाद रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को राहत देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को कोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई अर्जी ठुकरा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मामले में एम्स की मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद ही सुनवाई पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पुराने मामले के साथ जोड़ा। जस्टिस AK सिकरी की बेंच ने कहा, जब तक एम्स में आसाराम की मेडिकल जाँच नहीं होती और उस पर रिपोर्ट अदालत के समक्ष नहीं आती, जमानत विचार नहीं किया जा सकता। ये मामला अहमदाबाद में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म से जुड़ा है। बता दें कि पिछले दिनों नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू की स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स से दिल्ली से मेडिकल टीम जोधपुर भेजने में असमर्थता जताई थी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो TV के साथ। नमस्कार।